नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ लक्ष्मी। स्वागत है आप सभी का मेरे अपने लक्ष्मी किचन में। तो आज की हमारी रेसिपी है बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही मजेदार अंडा बिरयानी की। इसे हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, लेकिन टेस्ट कम नहीं होगी। हमारी रेसिपी को ट्राई करने से पहले रेसिपी को पूरी देखें और समझें, फिर ट्राई करें, तभी आपकी बिरयानी परफेक्ट बनेगी। तो चलिए, छोटे बड़े सभी के दिल पे छाने वाली अंडा बिरयानी बनाने की सबसे आसान विधि देख लेते हैं मेरे तरीके से। रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए हम विधि को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बासमती चावल को अच्छे से धो लेंगे 2 से 3 पानी। धोने के बाद इसे पानी में डाल करके हम आधे घंटे तक छोड़ देंगे अच्छे से फूलने के लिए। तो हमने इस कप से 1 कप बासमती चावल लिया है, देख लीजिए, इसी कप से 1 कप लिया है। तो चावल को हम इसी तरह से छोड़ देंगे ठीक आधे घंटे के लिए। अब हमने लिया है अंडा। अंडे को हमने अच्छे से उबाल करके और छील लिया है। तो हमने लिया है 4 अंडा। इसे अच्छे से चाकू की सहायता से चारों तरफ से हम होल कर देंगे, ताकि जब फ्राई करें तो इसका छींटे ना उड़े और अंडे हमारी जो है टूटे नहीं। अंडे फ्राई करते वक्त अंडे बहुत ही छींटे मारते हैं, इससे बचने के लिए हमें होल करना होता है अंडे में। तो मैंने डाला है इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी नमक, और साथ में मैं डाल दूंगी थोड़ी सी हल्दी पाउडर। अब मैं इसे अच्छे से मिला लूंगी। मिलाने के बाद इस अंडे को मैं 10 मिनट के लिए रख दूंगी एक साइड में। तो मैंने लिया है 2 बड़ी साइज का प्याज। तो दोनों प्याज को मैं कट करूंगी। तो पहला प्याज को मैं पहले कट करूंगी, जिसे मैं लंबे लंबे टुकड़ों में हमने कट कर लिया है, देखिए ऐसे। और दूसरी प्याज को मैं कट करूंगी छोटे छोटे पीस में ऐसे। तो चलिए इसे भी एक साइड में रख देते हैं। हमने लिया है 1 लहसुन की गांठ और 1 इंच अदरक, दोनों का मैं मिक्सी जार में पेस्ट बना करके एक साइड में रख दूंगी। तो गैस पर बैठाया हमने कढ़ाई गरम होने के लिए। कढ़ाई गरम हो चुकी है, इसमें मैं डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल। आप अपना पसंदीदा ऑयल ले सकते हैं। तो ऑयल हमने लिया है 3 बड़े चम्मच। अब इसे मैं गरम होने दूंगी, अच्छे से गरम होने दूंगी। तो तेल हमारी गरम हो चुकी है, इसमें मैं डाल देती हूँ लंबे पीस में कट किया हुआ प्याज। इस प्याज को डाल करके मैं अच्छे से इसे फ्राई करूंगी जब तक ये लाल ना हो जाए। गैस के फ्लेम को हाई रख कर इसे हमें फ्राई करना है, और ध्यान देना है प्याज हमारी कहीं से जले नहीं। थोड़ी थोड़ी देर बाद में हमें प्याज को अच्छे से चलाते रहना है, ताकि प्याज हमारी कहीं से जले नहीं और बराबर अच्छे से पके और बराबर से लाल हो। इतना हमें ध्यान रखना है इस प्याज को जब हम फ्राई करेंगे, क्योंकि फ्राई प्याज के वजह से ही बिरयानी का जो टेस्ट है और बढ़ता है, इसका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। इसलिए प्याज को अच्छे से फ्राई करें। प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, इसे मैं निकाल लेती हूँ किसी बर्तन में। प्याज को हमने निकाल लिया है, अब अंडे को फ्राई कर लेते हैं। अंडे का 10 मिनट हो चुका है, इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, थोड़े से लाल कर लेते हैं और बराबर चलाते हुए हम अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि एक साइड से कम ज़्यादा ऐसे ना पके, चारों तरफ से अच्छे से हमारी अंडा पक जाए, लाल हो जाए। तो देखिए इतना ही लाल करना है। तो अंडे को मैं निकाल लेती हूँ। तो अंडे को मैंने निकाल लिया है, इसमें मैं डालूंगी अब हरी मिर्च। इसमें मैं डाल देती हूँ हरी मिर्च को। तो हमने लिया है 3 हरी मिर्च, साथ में मैं डाल रही हूँ 2 इलायची और 2 दालचीनी, 2 तेजपत्ता। इसे मैं हल्का सा पका लूंगी, ताकि इसमें से थोड़ा सा खुशबू आने लगे अच्छा सा। साथ में मैं बारीक कटा हुआ प्याज को मैं डाल रही हूँ, जिसे हमने काट करके रखा था। अब इसे मिलाकर भी हम अच्छे से
भूनेंगे इसको ताकि प्याज हमारी थोड़ी सी लाल हो जाए। गैस के फ्लेम को हाई रखकर ही हमें इसे भूनेंगे और थोड़ी थोड़ी देर बाद में हमें चलाते रहना है ताकि प्याज हमारी कहीं से भी जले नहीं और अच्छे से पके, इतना आपको ध्यान रखना है। तो देखिए प्याज हमारी थोड़ी सी लाल हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हम अच्छे से मिला लेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट को हम 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे, इतना आपको ध्यान रखना है जब आप बिरयानी बनाएंगे तब। तो 2 मिनट बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आधी छोटी कप हरी मटर। हमने लिया है आधी छोटी कप हरी मटर। इसे डालने के बाद भी हम इसे 2 मिनट तक पकाएंगे, गैस के फ्लेम रखेंगे अभी मीडियम। तो 2 मिनट हमारी हो चुकी है, देखिए 2 मिनट हमारी हो चुकी है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक। मैं नमक को अभी डाल ले रही हूँ, आप चाहे तो बाद में भी डाल सकते हैं। अब मैं डालूंगी इसमें 1 चम्मच जीरा और काली मिर्च पाउडर और मैं डालूंगी 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। जीरा और काली मिर्च को हमने पैन में सूखा ही भून लिया था, भूनने के बाद में उसको हमने पाउडर बनाया था। तो सारे मसाले को हम अच्छे से पकाएंगे, गैस के फ्लेम मीडियम ही रहेगी। मसाले को अच्छा से पकाने से क्या होता है, कोई भी डिश हो उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसे मैं ढक दूंगी, ढक करके ठीक 2 मिनट बाद, 2 मिनट बाद मैं देख लेती हूँ। तो 2 मिनट हमारी हो चुकी है, देखिए अब इसे मैं अच्छे से चला देती हूँ इस तरह से ताकि मसाले हमारी कहीं से जले नहीं। जहाँ मसाले जल जाएगी वहाँ टेस्ट बिगड़ जाएगा, तो टेस्ट हमको नहीं बिगाड़ना है, टेस्ट को हमको बढ़ाना है। तो इसमें अब मैं डालूंगी बिरयानी मसाला 1 चम्मच। तो हमने 1 भर के चम्मच बिरयानी मसाला डाला है। इसे भी अच्छे से मसाले के साथ पका लेते हैं। तो जब भी आप बिरयानी बनाएं तो बिरयानी मसाला को थोड़ा बाद में ही डालें। पहले हमने जीरा और काली मिर्च पाउडर को भूना था 2 मिनट के लिए, उसके बाद हमने बिरयानी मसाला को डाला है। बिरयानी मसाला को भी 2 मिनट के लिए ढककर रखूंगी, 2 मिनट बाद चेक कर लेती हूँ और अच्छे से मिला लेती हूँ। जब मसाले को भूनेंगे तो ध्यान रखकर ही आपको मसाले को भूनना पड़ेगा, बहुत ही ध्यान रखना होगा, नहीं तो इसके वजह से ही टेस्ट बढ़ता है और ख़राब होता है, इतना ध्यान रखना है। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी पानी और गैस के फ्लेम पूरा स्लो कर, गैस के फ्लेम को हमने बहुत ही कम कर दिया है, जितना कम हो सके। तो गैस के फ्लेम पूरा कम है, अब मैं इसमें डालूंगी दही। दही हमने लिया है आधी कप, जिसे अच्छे से फेंट लिया है। जब मसाला को भूने, गर्म मसाले में दही को नहीं डाले, तो मसाले को ठंडा करने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि मसाला थोड़ा सा ठंडा हो जाए ताकि हम दही को डाल सके। गरम मसाले में दही डालने से क्या होता है, दही फटने लगती है, इसीलिए हमने मसाले को भूनने के बाद में उसमें पानी डाल दिया ताकि मसाले ठंडा हो जाए और गैस के फ्लेम को स्लो रखा है। तो गैस के फ्लेम अभी हम स्लो ही रखेंगे, स्लो रखकर ही हम इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। तो 2 से 3 मिनट हमारी हो चुकी है, हमने 2 से 3 मिनट तक दही को अच्छे से पकाया है स्लो फ्लेम पर मसाले के साथ में। तो इसे हम और थोड़ा सा पका लेते हैं, गैस के फ्लेम को हम मीडियम रख देते हैं। तो मसाले हमारी पककर के तैयार है, इसमें हम फ्राई किया हुआ अंडा को डाल देंगे। गैस के फ्लेम एकदम स्लो करके रखना है अभी, नहीं तो दिक्कत हो सकता है, मसाले जल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ धुली हुई चावल, जिसे हमने आधा घंटे पहले भिगो करके रखा था। तो सारे पानी को हमने अच्छे से छान लिया है, अब अंडे के ऊपर में डाल देंगे अच्छे से, चारों तरफ से हम डाल देंगे। देखिए इस तरह से डालना है आपको। आप चाहे तो इस समय गैस का फ्लेम को बंद भी कर सकते हैं। और हमने फ्राई किया हुआ प्याज उसको भी डाल देंगे। तो सारे प्याज को मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, फ्राई किया हुआ प्याज और
हरी धनिया, हरी धनिया को भी हम डाल देंगे इस तरह से। ज़्यादा धनिया की पत्ती नहीं डालना है, बस इतना ही डालें। अब मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच शक्कर। अगर आप चाहते हैं बिरयानी में शक्कर खाना, हल्का मीठा चाहते हैं तो आप शक्कर डालें, अगर आपको मीठा बिल्कुल नहीं पसंद है तो नहीं डालें, आपकी जैसी इच्छा। अब इसमें मैं डाल दूंगी रेड फूड कलर। तो रेड फूड कलर को हमने डाल दिया है इसमें। अब इसमें मैं डाल दूंगी एक छोटी चम्मच घी। तो घी को हमने डाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो जिस कप से हमने चावल को लिया था एक कप, ठीक उसी कप से हम डालेंगे एक कप पानी। जिस कप से हमने चावल लिया था ठीक उसी कप से डालेंगे एक कप पानी। चावल और पानी का मात्रा हम बराबर रखेंगे। अभी हम गैस का फ्लेम को कर देंगे हाई। बस हमने गैस के फ्लेम को हाई कर दिया है, इसे ढक देते हैं। मैं इसे ढक देती हूँ 4 से 5 मिनट के लिए। तो 4 से 5 मिनट बाद हम चेक करके देख लेते हैं। तो देखिए पानी लगभग सूख चुका है। अब इसे हम गैस के फ्लेम को कम करके ठीक 10 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। तो 10 मिनट बाद हम चेक करके देख लेते हैं। इसमें हम अभी डालेंगे फ्राई किया हुआ काजू और किशमिश, जिसे हमने घी में फ्राई करके रखा था। अब इसे हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट बाद फिर मैं देखती हूँ। अब इसे हम नीचे के चावल को अब ऊपर कर देते हैं। सारे नीचे के जो चावल है उसे हम अच्छे से ऊपर की तरफ कर देंगे, ताकि अच्छे से चावल हमारी बराबर पके। अब इसे हम फिर से ढक देंगे 2 मिनट के लिए, स्लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए ढक देंगे। 2 मिनट हमारी हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी घी। हमने यहाँ पे लिया है 1 बड़े चम्मच घी, जिसमें हमने 1 दालचीनी का टुकड़ा डाला है और 2 इलायची डाला है और 2 लौंग डाला है, जिसे हमने अच्छे से पका लिया है। पकाने के बाद इसमें डाल देंगे और साथ में डाल देंगे 1/2 छोटी कप दूध। 1/2 छोटी कप में डाल रही हूँ गाय का दूध। गाय का दूध डालने के बाद में इसे हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर ढकना है हमको। तो 5 मिनट हमारी हो चुकी है, देखिए। और बिरयानी हमारी बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। इसे अब हम ढक करके रख देंगे। बिरयानी हमारी तैयार है और हम 5 मिनट बाद इसे देख लेते हैं। तो देखिए 5 मिनट बाद हमारी बिरयानी बन करके तैयार हो चुकी है। बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया है। आप इस बिरयानी को बनाएं, आप सभी को बहुत पसंद आएगा। छोटे बड़े सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और इसे बनाना भी बहुत आसान है। आपने देखे, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ चावल कितना अच्छा से पका है। देखिए चावल कितना अच्छा से पक चुका है और चावल भी खिला खिला है, कोई भी चावल किसी से भी चिपका नहीं है। देखिए कितना अच्छा से एकदम परफेक्ट बना है, और बनाना भी कितना आसान है। अगर आपको हमारी अंडे बिरयानी की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दें। और हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।